नमस्कार, सीनियर इंडिया के धार्मिक संस्करण कान्हाजी कहिन में आपका स्वागत है। आज अहिष्टमी, इस वर्ष 28 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को अहिष्टमी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती और अहि माता का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार करवा चौथ और अहिष्टमी महिलाओं के दो विशेष पर्व हैं। इन दिनों उत्सव में जहाँ परिवार के कल्याण की भावना निहित होती है, तो वहीं सास के चरणों को तीर्थ मानकर उनसे आशीर्वाद लेने की प्राचीन परंपरा आज भी दिखाई देती है। अहोई अष्टमी का महत्व, अहोई अष्टमी पर्व को मनाते हुए भारतीय महिलाएं जहां पौराणिक रीति पूर्वक व्रत उपवास करती हैं, वहीं सांस्कृतिक उमंग द्वारा उत्सव का रूप भी प्रदान करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अथवा आठे कहलाती है। यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। कहा जाता है कि इस व्रत को संतान वाली स्त्रियां करती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाकर पूजे जाते हैं। अहोई अष्टमी पूजन के शुभ मुहूर्त, अहोई अष्टमी व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार अहोई अष्टमी पर शाम 5:39 से 6:56 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसकी अवधि 1:17 तक रहेगी। अहोई अष्टमी व्रत की विधि, अहोई अष्टमी के दिन जिन स्त्रियां यह व्रत करना होता है वह दिन भर उपवास रखती हैं। सायकाल भक्ति भावना के साथ दीवार अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है। उसी पुतली के पास सेई या सेई के बच्चे भी बनाए जाते हैं। आजकल बाजार से अहोई के रंगीन चित्र कागज भी मिलते हैं, उनको लाकर भी पूजा की जा सकती है। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ की जाती है। पूजन से पहले जमीन को स्वच्छ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ति भाव से पूजा करें। अपने बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें, साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत कथा का श्रद्धा भाव से सुने। इसमें एक खास बात यह है कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के दो मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडिल लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई अष्टमी डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा की जानी चाहिए। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकालकर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहने। जो बायना निकालकर रखा है उसे सास के चरण छुआकर उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन कर व्रत खोलें। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारण की गई माला को दिवाली के बाद किसी शुभ समय में अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगा और जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए व्रत का उद्यापन करें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके में आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7ों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उसके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कॉक बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने
सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कौक बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कौक बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है, वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखरी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखरी वहां जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की रक्षा की है, जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अवही का अर्थ एक यह भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना।